रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। पाकिस्तान में एक और इमरान सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सत्तारूढ़ पार्टी की हालत, पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर इमरान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने मोर्चा खोल दिया है। मौलाना ने मछली का उदाहरण देकर इमरान को घेरा। समंदर ने मछली से कहा, कब तक तैरते रहोगे? मछली ने कहा, जब तक तेरे अंदर मौजे मारने की ताकत है तब तक मेरे अंदर तैरने की ताकत होगी। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है, वोट की फिक्र नहीं है। मैं अगर मैं इस कौम का जो इन्होंने किया इस कौम के साथ, चार गुना ज्यादा कर्जा बढ़ाया इन्होंने पाकिस्तान का 10 सालों में, आज बेचारे मुझे देख के अपनी आवाम के ऊपर तकलीफ होती है कि महंगाई से गुजर रही है। महंगाई क्यों है? एक घर को जब आप मकरूज कर देते हैं, एक घर को कोई एक घर का फर्द जुआ खेल के घर पे कर्जा चढ़ा देता है तो वो घर को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। एक और मौलाना तो वहीं दूसरी ओर छात्र आंदोलन ने इमरान खान की नींद उड़ाकर रख दी है। आए दिन पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। हाल ही में छात्र छात्राओं ने देशव्यापी प्रदर्शन किया, आजादी की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की प्रदर्शन के दौरान जोश में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में सरफरोशी की तमन्ना गाने वाली ये लड़की आखिर कौन है? सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर में सरफरोशी की तमन्ना गाकर सोशल मीडिया पर छा जाने वाली इस लड़की का नाम आरजू औरंगजेब है। ये लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा है। सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए इस लड़की का वीडियो 17 नवंबर का बताया जा रहा है, जब लाहौर में फैज फेस्टिवल हो रहा था। इसी दौरान वहाँ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के छात्र एक साथ आ गए और इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिस छात्रा ने छात्रों के ग्रुप का नेतृत्व किया वो आरजू औरंगजेब थी। शिक्षा के मुद्दे पर आरजू ने पाकिस्तान में मोर्चा संभाला है और इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन से अब इमरान चारों ओर से घिरे और बेबस नजर आ रहे हैं।